सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज की संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज की कक्षा की शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहां कल हमने अपने विषय को छोड़ा था और कल जो समझा था उसकी पुनरावृत्ति करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने श्रृगाल और बक अर्थात सियार और बगुले की कहानी के पाठ का अनुवाद पढ़ा था। अब हम इसके कठिन शब्दों के उच्चारण शब्दार्थ को समझेंगे, लेकिन एक बार संक्षिप्त में एक बार मैं आपको वह कहानी दोहरा दूं जिससे आपको दोबारा से यह स्मरण हो जाए कि इस कहानी में क्या था। एक बगुला और सियार मित्र थे। दोनों जंगल में रहते थे और एक दिन सियार ने अपने मित्र बगुले को खाने पर बुलाया और थाली में उसे खाने को दिया। बगुला अपनी लंबी चोंच के कारण थाली से कुछ ना खा सका और सियार सारी खीर खा गया। यह देखकर बगुले ने सोचा कि मुझे भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि इसने मेरे साथ किया है। ऐसा सोचकर बगुले ने सियार को अपने घर आमंत्रित किया और एक छोटे मुंह वाले कलश में खीर खाने को दी, लेकिन उस कलश में केवल बगुले की चोंच जा सकती थी, सियार का मुंह नहीं। इसलिए धीरे धीरे करके बगुला सारी खीर खा गया और सियार ईर्ष्या से केवल उसको देखता रहा। अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का शायद उसे पछतावा हुआ होगा, दुख हुआ होगा। इसलिए कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। जी हाँ, यही हमारी कहानी थी और इस कहानी का जो अंतिम श्लोक था, मैं वहीं से शुरुआत करूँगी कि आत्मदुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखम तस्मात् सद्व्यवहार्तव्यम मानवे सुखेषम। कि अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल दुखदायी होता है, अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल दुखदायी होता है। इसलिए मानव को यदि सुख की इच्छा है तो अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, अर्थात सुख चाहने वाले व्यक्ति को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब इसके शब्दार्थ और इन्हीं शब्दों का शुद्ध उच्चारण हम देखेंगे। श्रृगाल है सियार, श्रृगाल है सियार, बक है बगुला, बक है बगुला, आसीत था या थी, आसीत था या थी, एकदा एक बार, एकदा एक बार, अवदत बोला, अवदत बोला, श्वह आने वाला कल, श्वह आने वाला कल, कुरु करो, कुरु करो। आगे देखें, स्थाल्याम थाली में, स्थाल्याम थाली में, अयच्छत दिया, संकीर्ण मुखे संकुचित मुख, सह अयु सह एव, इन दोनों को मिलाकर शब्द बनता है सहैव, 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 साथ ही, चंच चौंच, स्थालितः थाली से,
ऊपर हमने पढ़ा था स्थाल्याम थाली में सप्तमी विभक्ति, और यहाँ पर है स्थालितः थाली से, अपश्यत देखा या देखी, या देखता था देखती थी, अभक्षयत खाया खाई, चिंतयित्वा सोचकर, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय और शब्द बन गया चिंतयित्वा, प्रतिकारम बदला, प्रतिकारम बदला, सद व्यवहर्तव्यम सद व्यवहार करना चाहिए, सद व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सुखैषिणा सुखैषिणा सुख चाहने वाले के द्वारा, यदि सुख चाहने वाले के द्वारा अर्थात जिसे सुख की इच्छा है, जिसे सुख की इच्छा है। अब इसके अभ्यास कार्य को करेंगे और उसे बड़े ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। आइए अब इसके अभ्यास कार्य अर्थात रिक्त स्थान को पढ़ते हैं और समझते हैं। रिक्त स्थान के मंजूषा के शब्द समझें, अद्य आज, अपि प्रातः सॉरी भी, अपि भी प्रातः सुबह, कदा कब, सर्वदा सदा, अधुना आज या आजकल, भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है, कि क्या अब इसमें आएगा कि प्रातः भ्रमण स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, सर्वदा सत्यम वद सदा सत्य बोलो, त्वं कदा मातुलं गृहं गमिष्यसि तुम कब मामा के घर जाओगे, दिनेशः विद्यालयं गच्छति दिनेश विद्यालय जाता है, अहम अपि तेन सह गच्छामि मैं भी उसके साथ जाता हूँ, अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, अधुना आज विज्ञान का युग है, अद्य रविवासरः अस्ति आज रविवार है। इस प्रकार आप इन रिक्त स्थानों को पूर्ण कर सकते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिख सकते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। पहला प्रश्न, श्रृगालस्य मित्रं कः आसीत्, श्रृगाल का मित्र कौन था। उत्तर, श्रृगालस्य मित्रं बकः आसीत्, श्रृगाल का मित्र बगुला था। स्थालितः कः भोजनं न अखादत्, थाली में किसने भोजन नहीं खाया। बकः स्थालितः बकः भोजनं न अखादत्, स्थालितः बकः भोजनम न अखादत, थाली में बगुले ने भोजन नहीं खाया। बकह श्रृंगालाय, बकह श्रृंगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुले ने श्रृंगाल को भोजन में क्या दिया। बकह श्रृंगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत, बकह श्रृगालाय भोजने किम अयच्छत क्षीरोदनम। श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, सियार का स्वभाव कैसा
होता है। श्रगालस्य स्वभाव है कुटिलः भवति। श्रगाल का स्वभाव कुटिल होता है। आगे इनके विलोम शब्द हैं, शत्रुः मित्रं सुखदं दुखदं। शत्रुता मित्रता, अप्रसन्नः प्रसन्नः, दुर्व्यवहार है सद्व्यवहार है, सायं प्रातः, असमर्थः समर्थः। इस प्रकार प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका ये अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। इसके आगे एक कौए की कहानी है, जिसे रिक्त स्थान के माध्यम से आप स्वयं पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, और अगर सहायता की आवश्यकता होगी तो आप इस पाठ के साथ दी गई पीडीएफ से मिलाकर भी समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें उसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।